हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं परमेश्वर सुतार, फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं एक बार के लिए लेसन नंबर 2 को थोड़ा पोस्टपोन करता हूं और लेसन नंबर 1 जो है उसमें विद्यार्थियों ने कहा सर हमें न्यूमेरिकल पोर्शन पूरे करवाओ, तो लेसन नंबर जो 1 के न्यूमेरिकल पोर्शन जो आंकिक प्रश्न है आपके बुक में आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। आधे घंटे में जितना हो सकता है उतना करेंगे और फिर कल की लेक्चर सीरीज के अंदर भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात जो मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन करवा दिया वो मैं बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में मिलेगा, आप वहां जाकर देख लीजिए, तो वो लेक्चर भी आप देखने की प्रयास करें और पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उसके बाद ही हम लेसन नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे। जितने में हम लेसन नंबर 2 जहां तक हमने कर रखा है एक बार के लिए रोक देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में लेसन नंबर 1 के जो बहुत चयनात्मक क्वेश्चन है वो करते हैं, मल्टीपल चॉइस। कौन से चयनात्मक प्रश्न, इसमें जो हमारा पहला न्यूमेरिकल पोर्शन है वो देखते हैं। उसमें पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है, उसके जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख ही रहा है मैं इसमें गिवन लिख देता हूं। गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है दो समान और बराबर आवेश। इसका मतलब क्या है गिवन में कि Q1 और Q2 जो है वो समान है और बराबर आवेश, इसको मैंने कितना मान लिया क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है आर बराबर 3 मीटर डिस्टेंस दे रखी है और उनके मध्य जो कार्यरत प्रतिकर्षण बल है एफ प्रतिकर्षण बल है वो कितना हो रहा है कि 16 न्यूटन, 1.6 न्यूटन बल कार्यरत है। तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट में हमें क्या करना है कि प्रत्येक मतलब Q1 और Q2 जो है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट है करनी है। चलिए शुरू करते हैं। कूलम का जो नियम होता है प्रतिकर्षण बल के लिए के Q1 Q2 अपॉन में दिया हुआ आर स्क्वायर, यहां से अगर मैं देखूं इसको तो कितना देगा K का मान, सॉरी Q1 Q2 बराबर है तो K क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना देगा आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम क्यू स्क्वायर का मान निकालते हैं तो क्यू स्क्वायर कितना देगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा के, यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो यहां पे कितना आएगा रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जो एफ का मान है वो कितना दे रखा है 1.6, आर का जो मान दे रखा है वो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में Q1 और K का जो मान दे रखा है वो 9 × 10 की पावर 9 दे रखा है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक पॉइंट यहां से उठा तो कितना आ गया नीचे 10 पावर आ गई और ऊपर कितना है अब जो आया सॉल्व करने पर 16 अपॉन में 10 की पावर 10। इसको सॉल्व करने पर रूट से निकालने पर ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 10 की पावर 5, जो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो प्रत्येक आवेश पर जो चार्ज है वो कितना है 4 × 10⁻¹⁵ कूलम आंसर। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल पोर्शन है। सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो इधर देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल पोर्शन क्या कह रहा है, सेकंड न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर हमें कह रहा है कि दो आवेश है उनके मध्य बल एफ कार्यरत है। सपोज करते हैं हमने दो आवेश लिए Q1 व Q2, उनके मध्य कार्यरत बल मतलब कार्यरत बल जो है वो कितना प्रिय विद्यार्थियों एफ है और एफ है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो बल कितना होगा, मतलब इस दौरान इसकी दूरी कितनी है आर। अब यदि आर डैश बराबर मैंने कितना कर दिया 3 times of r, तो इस स्थिति में जो एफ डैश बल है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केस फर्स्ट ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दो आवेश दे रखे हैं। केस फर्स्ट ये हमने Q1 साथ ले लिया प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने क्या ले लिया Q2 आवेश, इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली r ले ली, ठीक है। अब इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो r और क्यूबिन को तो चार्ज देख रहे थे, तो कूलम्बिक बल जो है कूलम्बिक बल, तो कूलम्बिक फोर्स जो है वो कितना हुआ एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन में कितना देगा आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन दी फर्स्ट, ठीक है। अब जो सेकंड केस है उस सेकंड केस में क्या किया इसने, सेकंड केस में पर्सन कह रहा है कि यदि यदि आर डैश दूरी है वो कितनी कर दी 3 गुना कर दी जाए तो जो फोर्स है वो उसको मैंने कितना माना एफ डैश वो हमें ज्ञात करना है। तो सेकंड में जो एफ डैश है एफ डैश हमारे पास कितना देगा के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस, अब जो थी चार्ज की वो ये Q1 चार्ज है और ये हमने क्या ले लिया Q2, डिस्टेंस जो है वो कितनी है 3r, ये लग नहीं रही पर रियल में मान के चलते हैं 3r ही है। अब ये तो 3r डिस्टेंस है वो मैं यहां रख रहा हूं तो कितना रहेगा 9r² प्रिय विद्यार्थियों, यहां से ये जो पोर्शन है इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूं 2 दे देता हूं
समीकरण दो में देखा जाए तो ये जो मान है वो इक्वेशन एक का ही वैल्यू है। तो अब जो बल आएगा वो प्रारंभिक बल कितना होगा, नौवां भाग शेष रह जाएगा, नाइन्थ पार्ट रह जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करें, एक वस्तु जो दे रखी है उस वस्तु को इतने आवेश से धनावेश किया जाता है, वो आवेश दे रखा है 5×10⁻¹⁹ कूलम से धनावेशित किया जाता है, मतलब हमें इसको धनावेशित करना है, धनावेशित किया जाता है। तो वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, वो जो n है वो हमें फाइंड आउट कर। देखो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आवेश के क्वांटीकरण का उपयोग किया जाता है, तो आवेश के क्वांटीकरण का तो फॉर्मूला था q बराबर कितना होता है एन ई, और एन ई से हम अगर एन निकाले तो एन बराबर कितना होगा क्यू का फोन में ई, क्यू का जो मान है वो कितना रखा है 5×10⁻¹⁹ कूलम अपॉन में 1.6×10⁻¹⁹ कट जाएगा तो कितना आएगा 5 अपॉन में 1.60 तो ऊपर कितना आएगा 0, काटने पर यह अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 3, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उससे निकालने पड़ेंगे। ये हमारे पास आंसर है। तो फोर्थ न्यूमेरिकल पोर्शन है वो देखो क्या कह रहे हैं, अच्छा न्यूमेरिकल पोर्शन है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजर से, थोड़ा ध्यान से देखना इस टॉपिक को। ये कह रहा है कि दो आवेश दे रखे हैं, दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, हम पहले क्यों लिख देते हैं, दो बिंदु आवेश है, क्यू वन दे रखा है वो है 4e, क्यू टू दे रखा है वो दे रखा है प्लस का e, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है r बराबर वो है 16 सेंटीमीटर, बोले तो 0.16 मीटर। ठीक है, इनके मध्य हमें क्या करना है, ये जो आवेश रखे गए हैं इनके मध्य q आवेश को कहां रखे, इनके मध्य जो डिस्टेंस है मैंने मान ली ये कितनी है, एक बार के लिए r मानते हैं, r बराबर 0.16 मीटर को एक मध्य आवेश रखना है, ये जो है वो कितना है 4e प्लस का, और ये जो है वो कितना है e, तो इनके मध्य एक चार्ज रखना है q चार्ज, वो कहां रखे कि निकाय क्या रहना चाहिए, साम्य अवस्था में रहना चाहिए, संतुलन की स्थिति बनी रहनी चाहिए। तो हमें क्या करना है q आवेश को कहां रखे कि निकाय संतुलन की स्थिति में साम्य अवस्था में रहे, साम्य अवस्था में रहे, निकाय साम्य अवस्था में तभी रहेगा जब ये जो बल इतना स्टाफ लगा रहा है, ये F1 फोर्स लगा रहा है, इसको मैंने ए पॉइंट पे माना तो ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये जो है वो चार्ज B पर प्रेजेंट है और इसको मैंने वो मान दिया, तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा FB, इन दोनों का जो परिमाण है वो बराबर हो जाना चाहिए और दिशा में क्या होगा विपरीत, तब ये जाके निकाय क्या हो सकता है संतुलन की अवस्था में हो सकता है। तो निकाय संतुलन की स्थिति में या साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स इस पर क्या लगाएगा, ये लगाएगा, इसका मतलब एफ ए बराबर जो तो होगा एफ बी, एफ ए है वो के क्यू ए, इसको मैं एक बार के लिए क्यू नॉट मान लेता हूं, और क्यू नॉट कितना हमारे पास क्यू, तो क्यू नॉट अपॉन में कितना आएगा डिस्टेंस, मैंने इससे ये डिस्टेंस कितनी मान ली एक्स मानी, तो प्रिय विद्यार्थियों ये तो डिस्टेंस है वो कितना है 0.16 माइनस कितना देगा एक्स, तो ये हमारे पास इधर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू बी, और कितना आएगा क्यू नॉट अपॉन में कितना देगा 0.16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसमें के से के कैंसिल आउट हो रहा है, क्यू नोट क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों के मान रखो क्यू ए क्यू बी का, सॉरी इसको मैं एक बार के लिए क्यू ए ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ क्यू बी, ठीक है ये क्यू ए है ये क्यू बी है। अब फिर ये विद्यार्थी जब क्यू ए का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4e अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई अपॉन में कितना देगा 0.16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ये कर जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे, मैं इसको उधर लेकर चला गया एक्स स्क्वायर को, तो 0.16 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो इधर लेना है, पर ये वाला पोर्शन मैं आगे लिख दिया और ये वाला पोर्शन पीछे लिख दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, वर्गमूल ले लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जाएगा x अपॉन में 0.16 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2, क्योंकि दो मान पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसमें से केवल एक वैल्यू ही पॉसिबल होगी, वो हमें देखनी पड़ेगी वो कौन सी वैल्यू है। अगर इसका जो मान आया वो 0.16 से बड़ा हो गया तो वो मान पॉसिबल नहीं है, 0.16 से छोटा मान ही क्या होगा, पॉसिबल होगा। चलो हम एक बार क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव मान लेने पर, इधर लिख देते हैं पॉजिटिव मान लेने पर, पॉजिटिव मान लेने पर कितना आएगा डियर स्टूडेंट, x बटे में 0.16 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया x बराबर 0.32 माइनस 2x, इसको इधर लेके गया तो 3x बराबर 0.32, और यहां से सॉल्व किया तो x बराबर कितना आ गया 0.32 डिवाइडेड बाय 3। एक तो हमारे पास ये आ गया, अगर मैं इसका माइनस मान लूं तो माइनस मान लेने पर ये कितना आ जाएगा, 32 को डिवाइड करेंगे तो अभी रुको देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस मान लेने पर नेगेटिव लेने पर, तो नेगेटिव लेने पर कितना आएगा, एक्स अपॉन में कितना आएगा 0.16 माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, मल्टीप्लाई करें तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.32 प्लस का 2x, ये इधर गया तो कितना देगा, x बराबर माइनस का x, देखो ये प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का 2x, तो कितना देगा माइनस का x बराबर माइनस का 0.32। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना देगा x बराबर 32, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 32 16 से क्या देगा बड़ा, अतः x का जो पॉसिबल मान होगा वो होगा 0.32 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आंसर है। पांचवा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बोर्ड में आने की संभावना रहती है, समझना इस क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं दो समान गोले जिन पर विपरीत व असमान आवेश है, तो क्वेश्चन में कह रहा है दो समान गोले, तो पहले टू गिवन लिख देते हैं, इसमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में हमें दो स्फीयर दे रखे हैं जिन पर चार्ज क्या है समान है परंतु असमान। देखो इसमें कह रहा है दो समान गोले जिन पर विपरीत सॉरी अपोजिट चार्ज है और असमान आवेश है, मतलब Q1 QA के बराबर नहीं है। अगर इसका मोड ले तो मोड में एक क्या है बड़ा है, मैंने मान लिया Q1 किससे बड़ा है QB से, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 90 सेंटीमीटर, तो R बराबर दे रखी है 19 सेंटीमीटर, सॉल्व करने पर मीटर में लेके आए तो कितना देगा 0.90 मीटर। ठीक है, जब इनको परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दे, मतलब इन दोनों को क्या करना, सपोज करो इसमें दो केस बनेंगे इस डायग्राम में क्वेश्चन के अंदर, तो पहले टू फाइंड आउट लिख देते हैं, उसके बाद हम दो क्वेश्चन दो केस बनाएंगे। वापस उतनी दूरी पर रखना, रखने पर उनके बीच में तो बल है वो कितना कार्यरत कर रहा है, वो बल जो कार्यरत कर रहा है 0.025 न्यूटन कार्यरत है, बल से प्रतिकर्षित करते हैं दोनों पर, अंतिम आवेश निकालना है कि दोनों गोलों पर अंतिम आवेश क्या। सुनना क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो गोले दे रखे, मान लिए ये पहला गोला है QA, ये दूसरा गोला है QB, बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है इसकी R, और R हमें दे रखी कितनी 0.90 मीटर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों गोलों पर जो बल लिख रहा है वो पहले निकाल देते हैं, हमें तो जो फाइनल आवेश है वो निकालना, अभी फाइनल आवेश के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना फाइनल आवेश होगा। तो पहले हमने केस फर्स्ट के अंदर जब ये पोजिशन थी, इनिशियल का जो केस था, इनिशियल केस से मैंने क्या निकाल दिया बल, वो कितना है KQA QB अपॉन में कितना देगा इसकी बीच की डिस्टेंस, एक बार के लिए मैं इसको आरएस कर देता हूं, इसका मान नहीं रखेंगे, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। केस सेकंड में क्या हुआ, इन दोनों को स्पर्श करवाकर, केस सेकंड में क्या किया इन्होंने, स्पर्श करवाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया। तो देखो बेटा स्पर्श करवाने पर क्या होगा, जब स्पर्श करवा के इसको रखेंगे, सपोज करो मैंने स्पर्श करवा दिया है, स्पर्श करवाने पर जो इन दोनों गोलों अब इस पर जो चार्ज बनतेगा वो क्या होगा, मैं बार के लिए स्पर्श वाला सीन भी दिखा देता हूं आपको, ये चीज टच की, टच करने पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने के बाद चार्ज बता वो कितना बता QA माइनस QB,
क्योंकि देखो अपोजिट चार्ज है, इन दोनों को जब घटाएंगे मतलब 12 में से कम घटा दिए तो हमारे पास ये नेट चार्ज बच गया। ठीक है, जो ये नेट चार्ज बचा है, इस चार्ज हमारे पास जो बचा हुआ चार्ज है, एक बार सुनना, क्यू ए माइनस क्यू बी, वो चार्ज हमारे पास ये नेट चार्ज इतना इसके पास बच चुका है, बाकी सारा इसके खत्म हो गए। अब इनको सेपरेट किया तो सेपरेट करने पर सपोज करो ये चार्ज इधर आ गया और ये चार्ज के आगे गोला इधर, तो सेपरेट करने पर दोनों गोलों के आवेश बराबर होने के कारण से, आकार बराबर होने के कारण से क्या हो गया, आधा आधा वितरित हो गया, मतलब क्यू ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई टू, डिस्टेंस अभी भी क्या है इसके आर है। और प्रिय विद्यार्थियों अब जो टू फाइंड आउट में हमें चार्ज निकालना, तो वो क्यू ए माइनस क्यू बी का मान डिवाइडेड बाई टू ज्ञात करना है कि अंतिम आवेश कितना है, वो अपने को हमें फाइंड आउट करना। निकाल लेते हैं बल इस सूत्र के अनुसार भी, इस सूत्र के अनुसार बल निकालेंगे तो एफ बराबर कितना जाएगा हमारे पास, एफ जो मान दे रखा है उसका दे रखा है 0.025 न्यूटन इज इक्वल टू के क्यू ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई टू और क्यू ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई टू, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, आर स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो बल का मान है वो 0.025 न्यूटन मल्टीप्लाई में के क्यू ए माइनस क्यू बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार फोर आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमें क्यू ए माइनस क्यू बी का मान निकालो पहले, तो इसकी डिस्टेंस भी हमें दे रखी है, इस डिस्टेंस को उधर रख देते तो क्यू ए माइनस क्यू बी जो आया अभी का होल स्क्वायर वो कितना है, प्रिय विद्यार्थियों देखना ये आ गया हमारे पास 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.025 अपॉन में कितना देगा k, मान रख देते बेटा k का और इसके तो मान डिस्टेंस वो रख देते तो 4r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का मान कितना देगा 0.9 मल्टीप्लाई 0.9। अब इसके बाद 0.025 डिवाइड बाई कितना देगा 9 × 10⁻¹। सबसे पहले मैं पॉइंट उठा देता हूं ऊपर वाली संख्या से, तो एक दो और तीन, तीन तो इसके दिवा देंगे, एक इसका तो कितना देगा 10⁵। 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर है वो मैं लिख देता हूं के लिए 4 × 9 × 25 डिवाइडेड बाई कितना देगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5 जुड़ेंगे, ऊपर ले जाता हूँ उसको भी मैं, तो आ जाएगा 10⁻¹⁴। अब इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो क्यू ए माइनस क्यू बी जो है वो कितना आ जाएगा, अगर इसका अंडर रूट ले लीजिए जाए तो हमारे पास कितना आएगा रूट के अंदर 4 × 9 × 25 × 10⁻¹⁴। सोल्व करने पर 4 का आ जाएगा 2, 9 का आ जाएगा 3, 25 का आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 10⁻¹⁷ और इसको मल्टीप्लाई कर दे हमारे पास 30 − 7 कूला। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, अभी तो क्यू ए माइनस क्यू बी है, हमें तो क्या निकालना उसका, हाँ उसने कहा दोनों गोलों पर कितना आवेश आएगा, उसका मतलब इसका भी कितना आएगा आधा, तो क्यू ए माइनस क्यू बी जो है उसका हाफ करे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 × 10⁻¹⁷ कूला, 1 point इधर ले ले तो 1.5 × 10⁻¹⁶ कूलाम, इसको प्रिय विद्यार्थियों अगर माइक्रो की फॉर्म में लिखे तो 5 माइक्रो कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात जब इन दोनों गोलों को स्पर्श करवा कर वापस उतनी दूरी पर रख दिया जाए और बल इतना लगेगा ना, तो इसका मतलब दोनों गोलों पर जो आवेश आएगा वो 1.5 माइक्रो कूलाम आवेश आएगा। अब एक छठा क्वेश्चन है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये कह रहा है दो आवेशों के मध्य अगर कांच की प्लेट रख दी जाए तो कार्यरत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि देखो कूलाम का जो नियम, छठा क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दे, हमें पता है कि जो मीडियम में फोर्स लगने वाला होता है वो निर्वात डिवाइडेड बाय कितना होता है एप्सिलॉन आर, और कांच का कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होता है, इस कारण जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये बढ़ने पर फोर्स क्या हो जाएगा मीडियम में डिक्रीज हो जाएगा, ये हमारे पास छठे का ऑप्शन आ गया। सातवां क्वेश्चन देख लेते, वो भी छोटा ही है, ठीक है, बोर्ड में एक नंबर के आने की संभावना रहती है। ये कह रहा है एक HCl का अणु दे रखा है, गिवन हमें क्या दे रखा है HCl का अणु, अगर HCl को ब्रेक करेंगे तो देखो H+ और Cl-
इसका मतलब दो समान परिमाण के आवेश है किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यल्प दूरी पर रखा गया, मतलब डायपोल सिस्टम बना हुआ है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एसएल कारणों जिसका द्विध्रुव अवगुण दे रखा है, मतलब द्विध्रुव अवगुण पी अपने को दे रखा है 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 कूलम इंटू सेंटीमीटर, तो उसके मध्य की दूरी निकालनी है, मतलब हमें 2L निकालना है। ये हमारे पास क्वेश्चन का 2 फाइंड आउट है, हमें ज्ञात करना है 2 फाइंड आउट। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है इसमें कि 2 फाइंड आउट हमारे पास दे रखा है, तो P बराबर कितना होगा एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। यहां से बेटा अगर 2L निकालो तो कितना होगा P अपॉन में Q का मोड, तो P कितना है 3.4 इंटू 10 टू की पावर -30 अपॉन में ये कितना देगा 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम। क्योंकि देखो बेटा अगर प्लस 1 चार्ज है तो इसका जो आवेश है ना वो कितना है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी तो एच प्लस पर है और 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता सीएल पर है, तो उसका चार्ज है वो हमारे पास कितना आएगा 1.6 की पावर -19 कूलम। काट दे इसको, सोल्व करते हैं इसको, तो ये तो आ जाएगा 2 टाइम्स कर देगा 2.14 के समथिंग आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 11 और ये किसमें आ जाएगा मीटर में, ये आपका आंसर आ गया। अब आठवा क्वेश्चन जो है वो भी यहां कर लेते हैं, हो जाएगा आठवा क्वेश्चन भी। आठवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेश करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एक तो प्रोटॉन दे रखा है, एक प्रोटॉन, दूसरा क्या दे रखा है अपने पास इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब ई तो हमारे पास क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके त्वरण का अनुपात निकालना है टू फाइंड आउट हमें ज्ञात करना है उनके त्वरण का अनुपात, इसका मतलब मास ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन में एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले प्रोटॉन आया तो हमारे पास ये है। अब जो त्वरण हमारे पास निकालना है उस त्वरण के बारे में देखते हैं, ई कॉन्स्टेंट है, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा उस आवेश पर बल लगेगा, वो बल जो होता है एफ बराबर कितना होगा क्यू इंटू ई। डियर स्टूडेंट ये बल उसको त्वरण प्रदान करेगा, तो यहां से हमारे पास ए बराबर कितना आएगा क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। मैं इसका मोड में ले रहा हूं माइनस के कारण चार्ज के कारण दिक्कत ना दे। अब एक बार के लिए मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लगाता हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट कितना आएगा ई चार्ज ऑफ ई अपॉन में कितना आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन देखा जाए तो ई अपॉन में ये और मास ऑफ प्रोटॉन, हमें जो प्रश्न अनुसार चाहिए जो हमें टू फाइंड आउट करना है वो उसको एक क्वेश्चन फर्स्ट दी, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, तो हमने क्या किया थर्ड बटे इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू कर दी, तो मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसका आ गया ई अपॉन में कैपिटल ई और मास ऑफ प्रोटॉन स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ प्रोटॉन के रेशियो के इक्वल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 तक हमने कर लिया क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आसान है वैसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के तथा सजातीय आवेश रखे गए। इसका मतलब एक वर्ग दे रखा है, उसकी भुजा की लंबाई मैंने मान ली, भुजा की लंबाई वो मैंने कंसीडर कर ली कितनी है ए, जो चार आवेश रखे गए क्यू ए बराबर है क्यू बी के बराबर है क्यू सी के बराबर है क्यू डी के, इसको मैंने कितना मान लिया क्यू मान लिया। तो ये कह रहा है एक आवेश के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक आवेश के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो हमें क्या निकालना है कि इस वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमें वो निकालना है टू फाइंड आउट। हमें केंद्र पर क्या निकालना है, केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, क्षेत्र
ज्ञात कर। पहला डायग्राम बना लेते हैं वर्ग, एकदम आसान है बेटा, वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा समझना इस प्रॉब्लम को, बेहद आसान है। ये क्यू ए चार्ज है, क्यू इसको भी मैं क्यू मान लेता हूं, इसको भी क्यू मान लू, इसको भी क्यू मान लेते हैं। यहां पे सेंटर है, यहां पे इसका सेंटर है, सेंटर को मैंने कितना मान लिया, ओ मान लिया। जो तीव्रता है वो किसकी, ए के कण कितनी है, ई, तो सभी के कण भी देखो बेटा एक के कण, एक आवेश के कण, तो यहां पर देखना अगर डिस्टेंस ए मानू तो पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं अगर एसी देखूं, एसी कितना हो जाएगा रूट टू ए। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास ए है, ए ओ है, वो किसके बराबर है, बीओ के, वो बराबर है सीओ के, वो बराबर है डीओ के, और वो है ए सी बाई रूट टू, मतलब रूट टू ए डिवाइडेड बाई टू, मतलब ए बाई रूट टू। ये तो हमारे पास आ गया। अब इसके कारण जो तीव्रता है वो बेटा इस तरफ जा रही है, ई ए मान लेते हैं, जो इस तरफ जा रही है, ई बी ई सी के कारण तीव्रता है वो इस तरफ जा रही है, क्योंकि सारे चार्ज साथ जाती है, तो इसके कारण तीव्रता जा रही है ऊपर की ओर, ये इसी, तो इसका मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ई ए व सी, ई ए व इसी, ई ए व इसी का परिणाम ही देखें तो परिणाम ही कितना होगा, वेक्टर एडिशन से बेटा कि ये जो वेक्टर है वो इसी वेक्टर के एडिशन का योग कितना है, जीरो, क्योंकि परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या है, अपोजिट। इसी प्रकार बेटा ई की बी के कारण देखें तो बी की इंटेंसिटी किस तरफ है, इस तरफ, और इसी प्रकार इसकी इंटेंसिटी देखें तो इसकी इंटेंसिटी किस तरफ है, इस तरफ, तो ये भी देखो बेटा परिमाण में क्या है, बराबर, बराबर क्यों, क्योंकि आवेश समान है और बीच की डिस्टेंस समान है, क्वेश्चन में कह भी रखा है इस चीज के बारे में, तीव्रता अगर ना कहता तो हमें पहले इसको निकालना। अब अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये अपोजिट है, इसके कारण भी तीव्रता कितनी हो जाएगी, जीरो, तो हम क्या निकालेंगे, ई बी व ई डी का परिणामी, तो ई डी का परिणामी निकाल, रिजल्टेंट निकाल लेते, वो कितना है, ई बी वेक्टर जो है और इसी वेक्टर जो है वो कितना है, जीरो। अब एक बात सुनना प्रिय विद्यार्थियों, सेंटर पर जो इंटेंसिटी है इन चारों आवेश के कारण है, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण, तो केंद्र पर तीव्रता, क्योंकि केंद्र पर तीव्रता ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर की नेट माने तो होगी, अगर सेंटर पे तीव्रता ये है तो इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड से देखिए बेटा, ई ए और ईसी का योग कितना है, जीरो, ई बी और ई डी का योग कितना है, जीरो, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे सिंपल से समझाए तो न्यूटन अपॉन में कितना आ जाएगा इसका मात्रक, कूलम, सिंपल से समझाए इसको बेटा, तो देखो इधर वाली इसको रिएक्ट कर रही है, इधर वाली इसको रिएक्ट कर रही है, तो नेट कितना आ गया सेंटर पे, जीरो। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पर जो चार्ज है माइनस का ई, और प्रोटोन पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस का ई। डिस्टेंस दे रखी है इसके बीच में, डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल दे रखी है इसमें एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितना था, माइनस 10 की पावर 10 मीटर, ये तो हमें गिवन में दे रखा है। टू फाइंड आउट, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, निकालेगा निकाल दे डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डाइपोल मोमेंट पी, एक आवेश का परिमाण कितना इलेक्ट्रॉन बचा होता है 1.10 की पावर माइनस 19 कूलम, एंगस्ट्रॉम देखा जाए 10 की पावर माइनस 10, सॉल्व कर ले तो 1.10 की पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी अच्छी है, लैंग्वेज क्या करिए, एक द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य, अब बेटा सुनना, एक द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा,
तो बेटा सुनने के लिए ये हमारे पास एक क्यू चार्ज है, मैंने मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, और ये कितना है माइनस क्यू, बीच की डिस्टेंस कितनी है डाइपोल 2a, ये तो हमारे पास कितना होता है पता आपको, ये होता है अक्ष और ये जो होता है वो होता है आपका निरक्ष, ये जो हमारे पास है वो क्या है निरक्ष। पर बेटा इस क्वेश्चन में आपको निरक्ष नहीं बोला, इसने क्या बोला है अनुप्रस्थ और दूसरा क्या बोला है अनुदैर्ध्य। प्रिय विद्यार्थियों मैंने क्लास 11 में जब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्यकरण की बात की थी तो मैंने अनुप्रस्थ के बारे में एक चीज बोला, अनुप्रस्थ मतलब लंबवत, अनुप्रस्थ का मतलब मान के चलो क्या होता है लंबवत, और द्विध्रुव के ये जो द्विध्रुव अवगुण के लंबवत कौन सा होता है विरक्ष, इसका मतलब जहां अनुप्रस्थ लिखा है वो तो क्या है निरक्ष है और जहां अनुदैर्ध्य होता है वो क्या है अक्ष। अब समान दूरी है इसका मतलब आर डिस्टेंस के है कॉन्स्टेंट, तो प्रिय विद्यार्थियों अक्ष पे जो डिस्टेंस है एक्सियल, एक्सियल पे कितना होता है 2kp अपॉन में कितना होता है आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे डिस्टेंस होती है वो कितना होता है kp अपॉन में आर की क्यूब, दोनों के परिमाण ले रखे हैं दोनों का रेशियो लो बेटा तो कितना आएगा ई एक्सियल बटे में ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय 2:1, ये क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है और इसी कारण से किसी कंपटीशन में भी आ रखा है। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ दूरी पर एक प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, वो चार्ज दे रखे प्लस क्यू और माइनस क्यू के, क्यू जो दे रखा है इसको क्यू ए मान लेते हैं, वो है प्लस 5 माइक्रो कूलम और ये जो क्यू बी है वो कितना है माइनस का 5 माइक्रो कूलम, इनके जो मध्य के आवेश के मध्य कार्य बल जो है आकर्षण बल है, आकर्षण बल वो बल कितना दे रखा है एफ अट्रैक्शन और ये दे रखा है 9 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि यदि इन आवेशों को स्पर्श करवाकर उसी दूरी पर रख दिए तो बल कितना, एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा, अगर क्यू ए क्यू बी तो चार्ज है एक प्लस 5 है, ये क्यू ए प्लस 5 माइक्रो कूलम है और ये क्यू बी है वो कितना है माइनस का 5 माइक्रो कूलम, बेटा इनको स्पर्श करवाने पर प्लस 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 कूलम। अब ये उदासीन गोले है और उदासीन गोले पर कोई भी बल कार्यरत नहीं होगा, अतः नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 न्यूटन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत चयनात्मक आज पूरे हो जाएंगे, कल मैं अति लघुरात्मक जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, उसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो कह रहा है समान परिमाण के और वी जातीय आवेश, इसका मतलब क्या हुआ गिवन में हमें दे रखा है समान परिमाण के, मतलब क्यू ए का मोड जो है वो क्यू बी के मोड के क्या है बराबर, किंतु ये चार्ज में क्या है अपोजिट नेचर के, एक प्लस है तो दूसरा कौन सा है नेगेटिव, इसके बीच में एफ बल कार्यरत है कुछ दूरी पर है, माना वो दूरी कितनी है, माना दूरी जो है इनके बीच की वो कितनी है आर, और कार्यरत बल जो है कार्यरत बल वो कितना है एफ न्यूटन कार्यरत है, ठीक है। ये कह रहा है यदि एक आवेश से 75% दूसरे आवेश पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो बल का मान, तो उनके मध्य जो बल का मान है वो पूर्व की तुलना में कितना होगा, सुनना विद्यार्थियों क्या कहना चाह रहा है कि एक बार के लिए हमने इसको मैंने क्यों मान लिया, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या है कि ए का या दोनों बी में से किसी को भी ले लेता हूं, मैं ए का जो 75% चार्ज है ए पे चार्ज मैंने क्यू है तो क्यू का मैं 75% जो भाग है 75% वो मैं क्या कर दू बी पर चार्ज ट्रांसफर कर दू, तो बी पर जो चार्ज ट्रांसफर होगा बी ने उसको गेन किया, गेन करने पर तो दोनों सिस्टम पे अब नया चार्ज बना है उससे जो बल कितना है वो निकालना, समझाने की कोशिश करता हूं मैं इसको, टू फाइंड आउट में हमें नया बल निकालना है, जो फाइनल बल है उसको मैं एफ डैश मान लेता हूं तो वो कितना होगा एफ की तुलना में, पहली बात सपोज करो चार्ज है वो ये गोला क्यू ए और ये गोला क्या है क्यू बी, ये क्यू ए ये क्यू बी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने आर, तो केस फर्स्ट में तो सिंपल केस दे रखा है, केस फर्स्ट में जो है एफ बराबर कितना है के क्यू ए
क्यू बी अपॉन में जितना होगा आर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन में जितना रहेगा आर स्क्वायर, ये हमारे पास बल आ गया एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये बल आ गया हमारे पास। सेकंड में क्या हुआ बेटा, इसका 75% चार्ज हमने क्या कर दिया, इसको दे दिया, तो क्यू ए पे अब कितना चार्ज बचेगा, सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस यही चीज आपको समझने की। पहले तो इसके क्यू ए किसके बराबर था, क्यू के, ये भी किसके बराबर था, क्यू के। जब क्यू ए का मैं 75% निकालू तो क्यू का 75% तो वो कितना होगा, क्यू 75 बटे में कितना आ जाएगा 100, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 3/4 क्यू। 3/4 क्यू जो चार्ज है वो हमने इसको इसमें से इसको दिया है। बेटा एक बात कहता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस का क्यू है, ध्यान रखना ही, और ये पॉजिटिव चार्ज है। जब ये प्लस का आवेश जो है इसमें पहले क्यू था, इसमें से मैंने आवेश दिया तो जो क्यू है चार्ज है वो क्यू में से कितना हो गया थोड़ा कम, वो कितना हो गया 3/4% आवेश इसने अपने में से निकालकर इसको दे दिया। जब इसने दिया तो इसने इस आवेश को ग्रहण किया, तो आवेश ग्रहण करने पर जो क्यू डैश आएगा, इसको क्यू डैश मान दो बेटा, तो क्यू डैश बी जो है उसने क्या किया, इसमें पहले तो माइनस चार्ज था बट इसने 75% चार्ज पॉजिटिव गेन किया तो कितना आया 3/4 क्यू। तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज बच गया बेटा, क्यू डैश बराबर 1/4 क्यू। बीच की डिस्टेंस अभी भी क्या सेम, तो अब हम क्या निकालेंगे इन दोनों के बीच में कार्यरत बल, तो अब क्या निकालेंगे के सेकंड में, के सेकंड में क्यू डैश ए व क्यू डैश बी के मध्य कार्यरत बल, ठीक है। जो कार्यरत बल है हमारे पास है वो देखते हैं कितना होगा उसके बीच में। पहले जो बल होगा उसको एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश जो होगा के क्यू डैश कोमा क्यू बी अपॉन में कितना रहेगा आर स्क्वायर। निकालते इस बल का मान क्यू ए क्यू के पदों में, तो के क्यू ए का मान कितना है बेटा, इसको सॉल्व करना एक बार के लिए 1/4 और कितना हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा क्यू। बेटा इसमें जो आवेश बचेगा वो माइनस का बचेगा, ठीक है, तो क्यू ए का मोड और क्यू बी का मोड हमें तो परिमाण लेना है इसका, तो यहां पर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये जो चार्ज आएगा उसमें 1/4 क्यू तो ये आ जाएगा, और क्यू बाई फोर ये डिस्टेंस कितनी इसकी आर, एफ डैश जो आएगा वो के क्यू स्क्वायर अपॉन में 16 आर स्क्वायर। अब ये जो मान है इक्वेशन भेजी मैंने इसको कितना 2, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकंड में रखिए, या इक्वेशन कर देते हैं बेटा सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो एफ डैश अपॉन में एफ जो आएगा वो के क्यू स्क्वायर अपॉन में 16 आर स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर साथ कैंसिल हो जाएगा 1/16, देन एफ डैश बराबर होगा वो एफ अपॉन में 16। ये आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। देखो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद हमारे जो मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम थी वो मैंने सारी करवा दी। इस वीडियो को ध्यान से देखो, जो टॉपिक नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, और एक बात और कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन अति लघुरात्मक में, और जो तुम्हारे लघुरात्मक है या फिर वो दिजमात्मक में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन में समझने लायक क्वेश्चन है मैं केवल वही कर दूंगा, उसमें फिर हम चलेंगे या आंकिक न्यूमेरिकल प्रश्नों पर, आंकिक न्यूमेरिकल हो सकता है मैं कल ये प्रश्न कंप्लीट करवा दूं, और फिर हम चलेंगे वापस लेसन नंबर 2 पर, क्योंकि विद्यार्थियों के जो कमेंट थे कि सर न्यूमेरिकल पोर्शन ये आपकी जो ख्वाहिश थी हमने आज पूरी कर दी। आगे से जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम पक्का आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को देखो, वीडियो में जो टॉपिक नहीं समझ में उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजो। जय हिंद, जय भारत।